मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है, वो इस योजना पर भी अपनी फोटो चिपका देती है। मुफ्त चावल का बैग अपने नाम से आपको देती है, ये उनको बेईमानी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं है। अगर खुद करते तो मोदी के काम पे खुद की फोटो लगानी पड़ती क्या? लगानी पड़ती क्या? खुद ने कुछ किया ही नहीं। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? जरा सबके सब बताओ, मैं एक आंकड़ा दे दो, याद रखोगे? पक्का आंकड़ा है, याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना, मोबाइल में टाइप कर देना, ठीक है? देखिए, आप जानते हैं, जब केंद्र में 10 साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उड़ीसा को 1,00,000 करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए थे। 10 साल में कितना? 10 साल में कितना? जरा याद करके बोलिए, 10 साल में कितना? और जोर से बोलिए, 10 साल में कितना? और मोदी ने 10 साल में कितने दिए बताऊं? बताऊं? याद रखोगे? 10 साल में मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है, यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती, या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है, और ऊपर से लूटपाट करती है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। कितने? ऐसा नहीं, आंकड़ा याद रखना पड़ेगा भाई। कितने दिए? 10,000 करोड़। कितने दिए? कितने दिए? उस पैसे का 10,000 करोड़ बीजेडी सरकार ने क्या किया? वो पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई। मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहां गांवों में सड़कों की हालत खराब है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है, वो इस योजना पर भी अपनी फोटो चिपका देती है। मुफ्त चावल का बैग अपने नाम से आपको देती है, ये उनको बेईमानी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं है। अगर खुद करते तो मोदी के काम पे खुद की फोटो लगानी पड़ती क्या? लगानी पड़ती क्या? खुद ने कुछ किया ही नहीं।